Hi all. Today's topic of discussion is from 11th and the chapter journal. Journal में हमारा एक discount होता है, trade and cash discount, जो मैं आपको through journal entry explain करना चाह रही हूँ and how to calculate those discounts or how to post in the journal. That is the most serious task जो students को लगता है, जिसको मैं छोटी सी video से cover कर रही हूँ. आपका जो न्यूमेरिकल आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तो जो भी आपकी सेल है या परचेज है, दोनों में जो ट्रीटमेंट है दैट विल रिमेन सेम. तो जो सबसे पहला काम आपको करना होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स ली है 50,000 की, सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है. योर फर्स्ट स्टेप शुड बी यू हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट वट एवर परसेंटेज हैज बीन गिवन टू. So I am taking 10% trade discount, that is 5,000. So our sales will be 45,000 that we have to record in our journal entry. देखिए 45,000 ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो sales given है, this is the list price actually. That is the list price. List price में से सबसे पहला काम हमें trade discount less करना है. Trade discount less करने के बाद ही जो हमारे पास सेल्स आती है या हमारे पास परचेज आती है वो हमें जर्नल एंट्री में सेल्स अकाउंट में रिफ्लेक्ट करनी है. अगर परचेज है तो परचेज आपका डेबिट होगा. सेकेंड स्टेप, 45,000 की फॉर एग्जांपल सेल्स है, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ परसेंट पेमेंट आपका हो गया और कुछ परसेंट पेमेंट नहीं हुआ. यानी आपका 45,000 में से 60% पेमेंट यू आर गोइंग टू रिसीव थ्रू चेक. रेस्ट ऑफ द पेमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी रेस्ट ऑफ द जो पेमेंट नहीं आई है दैट विल बी कंसिडर एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो हम लेके चलते हैं कि हमारे को 60% पेमेंट मिल गया है, यानी 27,000 पेमेंट वी आर गोइंग टू रिसीव. बट अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलता है आपको, तो समटाइम्स सेलर या बायर दोनों ही केसेस में आपको एक डिस्काउंट मिलता है, दैट इज टर्म्ड एज कैश डिस्काउंट, जिसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं. अब इफ प्रॉम्प्ट पेमेंट इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू अवेल अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, जो मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा रही हूँ. तो 27,000 जो आपका कैश सेल्स था, टोटल सेल्स वाज 45,000, 60% पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड. 60% जो पेमेंट मिलने वाली है हमको, वो 27,000 रुपीज आती है, जिसपे हमने 2% फर्दर कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में दे दिया है. तो जो आपने फर्दर कैश डिस्काउंट दिया है वो आपको इस 27,000 पे ही कैलकुलेट करना है. वो कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी रेजिडुअल अमाउंट आएगी दैट विल बी पोस्टेड इन द जर्नल एंट्री. अब अगर आपके ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, 60% कैश हो गई तो 40% आपकी क्रेडिट हुई, यानी कि 18,000 रुपीज. नाउ हाउ विल यू पास इन द जनरल एंट्री, आपको 26,460 यू आर गोइंग टू रिसीव. तो बैंक अकाउंट डेबिट थ्रू चेक है तो आप बैंक अकाउंट दिखाएंगे, थ्रू कैश है तो आप कैश अकाउंट रिफ्लेक्ट करेंगे. तो 26,460 वी हैव रिसीव. वी हैव अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 540, दैट इज अ डिस्काउंट अलाउड दैट यू हैव टू शो. रेस्ट ऑफ द अमाउंट वी आर नॉट एबल टू रिसीव, इट मीन दैट इज कंसिडर एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो हमने उस पार्टी, राज फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिया है यहाँ पे, तो राज हमारे जो बायर थे उनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, वो एज अ डेटर कंसिडर होंगे, दैट विल पे यू इन फ्यूचर टू सेल्स अकाउंट. सो यू हैव टू पोस्ट इन दिस वे. ये चीज ध्यान रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर. यू हैव टू यूज ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली. आप कैलकुलेट करें क्योंकि वो लिस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है. एक्चुअल सेल्स हुई है जो आपको, वो आपकी 45,000 है. सेम तरीके से ही कैलकुलेशन आपको करनी है जब आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें आपकी परचेजेस होती है. तो कैलकुलेशन दोनों पैटर्न में सेम है, बस आपको ये चेक करना है कि कितना ट्रेड डिस्काउंट है, रिमेनिंग अमाउंट पे आपको कैश डिस्काउंट लगाना है. हो सकता है पूरा पेमेंट आपको मिल रहा हो, पूरा प्रॉम्प्ट पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो पूरे पे कैश डिस्काउंट मिलेगा. अगर कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है तो क्रेडिट सेल्स पे कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए कैश डिस्काउंट वो अवेल कर पा रहे हैं. हैप्पी स्टडिंग.